हाय फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के वीडियो में मिथुन राशि के लिए 2014 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े ग्रह गुरु महाराज के बारे में, जो 19 जून 2014 तक मिथुन राशि में है, जो कि आपकी राशि में सही है। तो ये जो गुरु है वो आपको मानसिक संतुलन में, प्रसन्नता में वृद्धि करेंगे। अविवाहित जो जातक हैं उनको विवाह के योग बनते हैं। पुराने संबंधों में सक्सेस रहेगी और भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। 19 जून 2014 के बाद जो गुरु का भ्रमण है वो कर्क राशि में होता है। तो कर्क के जो गुरु हैं वो उच्च राशि के गुरु होते हैं। कुटुंब स्थान में, धन स्थान में उच्च राशि के गुरु क्रमशः धीरे धीरे कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले हैं। ये गुरु से आपको आयुष्य बल में वृद्धि होती है और बिजनेस में, करियर में भी आपको वृद्धि होती है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। 12 जुलाई 2014 तक जो राहु है वो तुला राशि में है। 12 जुलाई 2014 के बाद जो राहु कन्या राशि में जाएंगे, 12 जुलाई 2014 तक जो राहु है वो पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में जो राहु का भ्रमण है वो शुभ नहीं माना जाएगा। खास करके आपको संतान रिलेटेड टेंशन हो सकती है। जो भी जातक शेयर सट्टा या लॉटरी रिलेटेड कार्य करते हैं उनको आकस्मिक नुकसान हो सकता है और मित्रों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। राहु 12 जुलाई 2014 के बाद जो राहु हैं वो कन्या राशि में जाएंगे, जो कि राशि से चतुर्थ स्थान में है। तो चतुर्थ स्थान के राहु के अंदर भी आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में गियर करना है। प्रॉपर्टी लेने में या बेचने में आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो, चीटिंग ना हो, उसका खास केयर करना पड़ेगा। और केतु चलेंगे 12 जुलाई 2014 के बाद 10वें स्थान में। जो भी आपको बिजनेस रिलेटेड थोड़ी सी करियर के अंदर चिंता करवा सकते हैं। शनि ट्रांजिट जो है वो 2 नवंबर 2014 को वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। तब तक जो शनि महाराज हैं वो भी पंचम स्थान में चल रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि में 12 जुलाई 2014 तक शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये खास करके आपको प्रणय संबंधों में माइनर डिसअपॉइंटमेंट करवा सकते हैं एंड संतान रिलेटेड स्ट्रेस टेंशन हो सकता है। शनि महाराज जो हैं वो 2 नवंबर 2014 तक तुला राशि में चलते हैं। तो पंचम स्थान में जो शनि हैं वो दृष्टि करेंगे सप्तम स्थान में, जो कि मैरिज लाइफ में थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करवा सकते हैं। दृष्टि करेंगे लाभ स्थान में, जो मित्रों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करवाएंगे। और दृष्टि करेंगे धन स्थान में, कुटुंब स्थान में, जो फैमिली में भी थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करवा सकती है, फैमिली अदरवाइज फाइनेंस रिगार्डिंग मैटर में। 2 नवंबर 2014 के बाद जो शनि महाराज का जो भ्रमण है वो 6वें स्थान में होगा, जो आपके लिए शुभ रहेगा। खास करके आपको मंथ केयर करना है। 14 जनवरी 2014 से 15 फरवरी 2014, इसके अंदर सूर्य जो है वो मकर राशि में रहेंगे। मकर के सूर्य जो हैं वो आपके राशि से अष्टम स्थान के सूर्य होते हैं। अष्टम सूर्य में आपको फैमिली एवं फाइनेंस रिगार्डिंग मैटर में खास केयर करना है। डेट्स आपको केयर करना है 15 मई टू 15 जून, जिसके अंदर सूर्य वृषभ राशि में रहते हैं। वृषभ के जो सूर्य है वो आपके राशि से 12वें स्थान के सूर्य हैं। 12वें स्थान के सूर्य में भी आपको कोर्ट कचहरी मैटर में केयर करना है। आकस्मिक खर्च आ सकता है, गवर्नमेंट से भी आपको थोड़ा सा टेंशन मिल सकता है या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई कार्य आपका चल रहा है। और डेट्स आपको केयर करना है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, जिसके अंदर जो सूर्य हैं वो चतुर्थ स्थान में रहेंगे।
ये सूर्य के अंदर आपको माता एवं पिता से टेंशन दे सकती हैं और करियर में भी आपको थोड़ा सा अननेसेसरी टेंशन स्ट्रेस आ सकता है। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए वीडियो, देखते रहिए। ऑल द बेस्ट।